Hey guys, welcome to our channel. I hope you all are good. So, आज हम बनाएंगे बनाना शेक। गर्मियों के सीज़न आ गया और शेक ना हो तो हमारा दिन भी पूरा नहीं होता है। इतना ज़्यादा गर्मी रहता है उसमें अगर शेक जूस ये सब ना हो तो दिन ही बेकार चला जाता है। तो इस गर्मियों के सीज़न में हम बनाएंगे कुल बनाना शेक। तो चलिए अब वीडियो को बनाना स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, बनाना शेक बनाने के लिए दो बनाना, पीनट्स, काजू, शुगर, आइस क्यूब एंड 1 कप जैसा मिल्क लिया। हमें यही चाहिए, कुछ ज़्यादा और नहीं चाहिए। ये हमारा मेन इंग्रेडिएंट्स। मैंने एक मिक्सर जार लिया। मिक्सर जार में बनाना को मिडिल से तोड़ के दे रही हूँ। नाउ आई एम एडिंग मिल्क। मिल्क आपके रूम टेम्परेचर में होना चाहिए। मैंने 1 कप से भी कम मिल्क ऐड किया। अब मैं शुगर दे रही हूँ। मैं इसमें 3 टीस्पून जैसे शुगर दूंगी। शुगर आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको कितना मीठा चाहिए। नाउ आई एम एडिंग आइस क्यूब, जो कि इस शेक को एकदम ठंडा सा इफेक्ट देगा। अब मैं ग्राइंड कर लेती हूँ। तो गाइस, मेरा जो शेक है बहुत अच्छे से ग्राइंड हो गया। आप देख सकते हो इसका जो थिकनेस है बहुत बढ़िया आया। और ये बनाने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मैं 1-2 मिनट में हो गया है। तो आप देख सकते हो इसका थिकनेस। चलो अब हम सर्व करते हैं। तो मैंने 2 ग्लास लिया। 2 ग्लास पे मैं अब इसको दूंगी। देख रहे हो इसका गाढ़ापन क्या है, टेस्ट होगा इसका। खटाक सा टेस्ट है। तो गाइस, इसको मैं और ज़्यादा ठंडा बनाने के लिए मैंने 2-3 आइस क्यूब दे दिया और ऊपर से ड्राई फ्रूट आपके पसंद से, आपको जो ड्राई फ्रूट पसंद है वो दे सकते हो। मैंने 2 में अलग अलग ड्राई फ्रूट यूज़ किया। तो रेडी है, तो ट्राई कीजिए।